क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे हैं कि माशाल्लाह इज ओके, लेकिन 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे उसको। तो अगर ठीक है तो फिर ऑब्जर्वेशन में क्यों रखना है? मॉम आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ आजान, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मानी की जान खतरे में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे कम मोहब्बत करती हूँ? हाँ मगर आप इसी तरह से परेशान होंगी ना तो मुझे आपको घर छोड़कर आना पड़ेगा। बल्कि मैं काम करता हूँ, मुराद को कॉल करता हूँ, आपको पिक कर लेगा। What rubbish! मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम अपनी माँ को यहीं रहने दो, बल्कि तुम घर जाओ और जाकर मानी की पुरानी रिपोर्ट्स लेकर आओ, शायद डॉक्टर साहब को जरूरत पड़े। ठीक है। ये सब उस लड़की का किया था रहे, अगर वो ना उसको लाती ना बाहर तो कभी भी नहीं होता ये। चारा, होने वाली बात थी, हो गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम मानी के एक एक लम्हे का ख्याल रखते हैं, आप हमेशा उसके साथ होते हैं, तो फिर आपको कैसे नहीं पता चला कि वो और मानी क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे पता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। आपको पता है ना कि वो लोगों के सामने शाय हो जाते हैं, और ऊपर से उसकी मेडिकल कंडीशन, I mean this is ridiculous, आपको पता था? How could you allow them? ये लड़की मैं भाई नहीं करेगी कुछ भी आज के बाद, बगैर तुम्हारी इजाजत के कुछ नहीं करेगी। बस मुझे तो सोच के घबराहट हो रही है, अगर मानी को कुछ हो जाता तो। वैसे मानी के लिए इतना फिक्रमंद तुम्हें देखकर पहली बार अच्छा लगा। देखिए दुआ और अजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे।